हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट है आज। फ्रेंड, कमोडिटी मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इक्विटी मार्केट। एनएससी बीएससी में ज़बरदस्त मोमेंटम आज रहेगी, जैसा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का प्रेडिक्शन एग्जिट पोल का आया है, उसके बिहाब पे ज़बरदस्त आज मोमेंट रह सकती है। तो वहाँ अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही केयरफुल होकर प्लानिंग करिएगा। बहुत ज़्यादा गैप अप होने के चांसेस आज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब साथ में कमोडिटी मार्केट के विषय हम डिस्कस करते हैं। यहाँ जो भी कंडीशन शेयर की जाएगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी। तो आप नए हैं तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लेवल्स हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कैसा प्रेडिक्शन हो सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के लिए फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन के साथ साथ 104.4 का जो इसने प्रीवियस डे में बॉटम बनाया है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हायर साइड में अगर इसको यहाँ से निकलना है तो 104.7 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फाइनली इसके लिए यही रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है, एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना रहा है। लेकिन इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है ये जो रेंज बना रहा है इसके ऊपर कुछ इस टाइप की, तो ये एक हाई लगा सकता है जो यहाँ पे इसने एक बेस बना रखा था इस लेवल तक का। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा इसके लिए ट्रेंड लाइन एज इट इज़ सपोर्ट है, और उसके बाद में ये नीचे की 104.4 का लेवल। अगर इनके ऐसे पॉजिटिव साइन में जाता है तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा स्टेबल अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा, वहाँ आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड कॉमेक्स एक स्टडी मूव में चल रहा है, मार्केट की ओपनिंग होती है, गैप अप करता है और फाइनली एक रेंज में फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। बहुत ही नैरो जोन में है। अगर नीचे निकलता है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो 2300 का ये जो बेस लगाया है, 42 का ये बेस लगा रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा हमने वीकली स्टडी में डिस्कस किया था 2300 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, सपोर्ट का काम करने वाला है। रेजिस्टेंस का काम इसके 2360 का लेवल करेगा। और फाइनली अभी जो रेंज बना रहा है ये रेंज इसके लिए थोड़ी क्रूशियल होती हुई देखने को मिल रही है, जो ये 2340 तक का रेंज इसके लिए बना रखा है। तो 40 इसके लिए एज ए सपोर्ट करेगा। इनकेस इसको ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में आपको एक नीचे का लो भी देखने को मिल सकता है। हायर साइड में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सबसे पहले इसको 50 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद 55 को, फिर 60 को, ये लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट अगर गोल्ड के कॉमेक्स के बाद में हम MCX के विषय में बात कर लेते हैं, तो अगर MCX के विषय में फ्रेंड्स यहाँ देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छे लेवल के साथ में रिएक्ट करता हुआ अभी ये 71,800 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। इनकेस यहाँ से नीचे निकलता है तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे बेस बना रखे हैं ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 71,600 का लेवल। अगर इनकेस 600 के भी नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो फिर आपके लिए फिर मूव बड़े हो जाएंगे डाउनसाइड के लिए। लेकिन जैसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अभी रुकना चाहिए, 72,000 से लेकर 71,600 इस बेस में मार्केट को ट्रैवल करना चाहिए, फिर फर्दर ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो ये रेंज इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो सिल्वर का कॉमेक्स है क्या करता हुआ देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स में एक अच्छी रेंज जो बनाने की कोशिश कर रहा है, ये छोटे छोटे कैंडल्स इसके लिए जो सपोर्ट जोन का काम कर रहे थे उसको ये नीचे ब्रेक करता हुआ अब यही सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो इसने $30 के आसपास पहुंचने के लिए ब्रेक किया है। अभी $30 को टच नहीं किया है और इसके लिए 30.345 का जो प्रीवियस डे का लो है एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस इसको ब्रेक करता है तो फिर $30 इसके लिए नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर यहाँ पे सारी कंडीशन आप देखते हैं तो ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है जो इसने 30.8 के आसपास बना रखा है, इसको अभी फिलहाल के लिए आज ब्रेक करने की चांसेस थोड़े कम लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में इसको 30.3 इसी बीच में 0.5 के आसपास ये ट्रेवल करेगा हायर और लोअर साइड में फर्स्ट हाफ में। नेक्स्ट अगर हम इंडियन मार्केट का जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं वीकली स्टडी की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये मैंने कुछ आपके साथ ये शेयर किया था कि कुछ कंडीशन ऐसी बनती हुई देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स ये जो कंडीशन है ये इतनी आसानी से ब्रेक करने की कोशिश मार्केट के लिए बनती हुई नहीं देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे जितना ये टाइम बिताया है तो उतनी टाइम यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, जितना यहाँ पे रुकेगा उतना ज़्यादा यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी बड़े मूव के लिए। अगर आप यहाँ देखते हैं एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है, एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है और जिस डायरेक्शन से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला था दोबारा उसी पर आके खड़ा हुआ है।
तो कंडीशन यहाँ पे जो अभी बनती हुई देखने को मिल रही है, आज हो सकता है मार्केट थोड़ा सा स्टडी मूव कर जाए, पॉजिटिव साइड में रहे बट स्टेबल मूव करे, तो इसके अगर हायर साइड निकलता है तो ये जो छोटी छोटी रेंज इसने बना रखी है 92 के आसपास सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है तो 92,700 के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का काम करने वाला है। इसके पास पहुंचने के बाद ही फर्दर डिसाइड करेगा यहाँ पे करना क्या है। और नीचे की तरफ अगर निकलता है तो एज इट इज ये जोन है, जोन में मार्केट थोड़ा थोड़ा करके टाइम बिताएगा और उस टाइम को कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। जितना टाइम यहाँ बिताता है उतना बेटर रहने के चांसेस बनेंगे। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे कंडीशन जो बनी हुई है आवरली के कंपैरिजन में, भाई 4 आवर पे अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक सपोर्ट जोन से रिएक्ट करता हुआ एक छोटा सा करेक्शन फेज में हायर साइड की गया है, लेकिन इतना अभी पॉजिटिव साइन यहाँ पे नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन मोड में जाएगा हायर साइड के लिए। अभी हायर साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ बचेंगे जब तक कि प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस ना कर देता है। प्रीवियस डे के हाई को अगर नहीं लेते हैं तो वी ए 92,600 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है, तब यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि 93,500-600 लेवल यहाँ पे बन सकता है। इनकेस इस जोन पे ये स्टक करता है जो इसने रेंज का फॉर्मेशन कर रखा है तो छोटी छोटी कैंडल्स बनाएंगी और जब इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल एज इट इज जैसा हमने वीकली में देखा है वो कंडीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर प्लानिंग करना है। नेक्स्ट अगर इसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जैसा हमने वीकली स्टडी में देखा था, वीकली वीडियो में, कि बड़े बड़े मूव्स जब भी होते हैं उसके बाद मार्केट को रुकना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस जो कैंडल बड़े बड़े मूव कर रहे थे उसके बाद में स्टेबल किया है, एक छोटी कैंडल बनाए, डॉजी टाइप की कैंडल बनाए, उसके बाद फर्दर मूव डिसाइड करेगा, तो यहाँ उसके लिए आपको रेडी रहना है। वॉल्यूम भी अच्छा है, कंडीशन भी अच्छी है, बस एक सपोर्ट जोन पे ये खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट जोन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनाती है फिर फर्दर डिसाइड करता है तो अच्छे मूव के लिए हम रेडी रहेंगे। तो ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स कमोडिटी मार्केट का स्टडी बनती हुई देखने को मिले, लेकिन इक्विटी मार्केट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल आज रहने के चांसेस है। हमने वीकली में जो आपके साथ वीडियो शेयर किया उसमें भी दिखाया था कि NSE में जो ऑप्शन बायर हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशन बना रखी है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर आप उसमें कहीं फंस भी जाते हैं तो बहुत केयरफुल होकर ट्रेडिंग करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।